उम्मीदें आप सब ठीक होंगे और अपनी अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे होंगे तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो इफ्तारी की चाने जो है पकौड़े तो पकौड़ों में एक ट्विस्ट है तो ज़्यादा वेट ना करते हुए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ तो सबसे पहले जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है वो है बेसन तो बेसन मैंने 140 ग्राम लिया और उसे छान लिया है उसके बाद बोनलेस चिकन लिए मैंने 170 ग्राम स्मॉल पीसेस में उसे कट कर लिया है तकरीबन हाफ इंच की जितना उसे कट किया है उसके बाद मैंने नमक लिया है नमक मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है बाकी आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट ऐड कर सकते हैं उसके बाद जो है हाफ टी स्पून फूड कलर लिया है बेकिंग सोडा लिया है वन थर्ड टी स्पून लाल मिर्च कुटी हुई लीजिए हाफ टी स्पून हल्दी लिए वन टी स्पून दो अनियन लिए मीडियम साइज़ के स्लाइस कर लिया इसे दस हरी मिर्चें लिए चॉप्ड कर लिया है उसके बाद हाफ कप हरे धनिया लिए तो बेसन में सबसे पहले जो है अनियन डालेंगे जो हमने स्लाइस करके प्याज को रखा था वो ऐड करेंगे फिर हरी मिर्ची ऐड करेंगे फिर चिकन की जो हमने छोटी छोटी बोटियाँ कर ली थी उसे ऐड करेंगे और हरा धनिया ऐड कर दिया उसके बाद स्पाइसेस ऐड करेंगे नमक फूड कलर कुटी लाल मिर्च बेकिंग सोडा और हल्दी ऐड कर दिया इसे अब इसे मिक्स करेंगे मिक्स करते वक्त ख़ास ख्याल रखना है कि हमारा बैटर न ना ठीक रहे ज़्यादा न थीन रहे ज़्यादा इसलिए हम पानी स्लो स्लो ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें लम्स ना रहें देख सकते हैं आप मैं इसे किस तरह मिक्स कर रही हूँ अच्छे से मिक्स करना है इसे अब हमारा बैटर तैयार हो चुका है हम इसे 15 मिनट बाद फ्राई करेंगे अब 15 मिनट हो चुके हैं तो अब हम एक कढ़ाई लेंगे उसमें ऑयल ऐड करेंगे ख़ास ख़्याल रहे कि ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं हो वरना हमारे पकौड़े जल जाएंगे तो इसलिए हमें मीडियम फ्लेम ही रखना है जिससे हमारे पकौड़े नहीं जलें, और हमारी चिकन भी गल जाए अब हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है इतना कि मैं इसमें पकौड़े ऐड कर सकती हूँ तो अब मैं इसमें पकौड़े डाल रही हूँ पकौड़ों को इतना पकाना है और इस तरह पकाना है कि अंदर गोश्त जो है इसके वो गल जाए इस बात का ख़्याल रखना है कि पकौड़े हमें कढ़ाई में इतने ऐड करने हैं कि हम इसे इज़िली कुक कर सकें ईज़ली फ्राई कर सकें ये देख सकते हैं हमारे चिकन के पकौड़े फ्राई हो रहे हैं कितने प्यारे लग रहे हैं दो फ्राई हो चुके थे एक तरफ तो मैंने उसे पलट दिया है और बाक़ियों को चमचे की मदद से हिला दिया है ताकि वो बॉटम में चिपके नहीं अगर वो चिपकेंगे तो जाहिर सी बात है वो जल जाएंगे तो उससे टेस्ट अच्छा नहीं आएगा जब टेस्ट अच्छा नहीं आएगा तो पकौड़े का फ्लेवर भी अच्छा नहीं लगेगा तो देखें आप इसे किस तरह से मैं इसे फ्राई कर रही हूँ अब मैं इसे पलट रही हूँ तो एक तरफ हमारे चिकन के पकौड़े फ्राई हो चुके हैं और दूसरी तरफ फ्राई हो रहे हैं तो ये फ्राई हो चुके हैं अब मैं इसको प्लेट में डाल रही हूँ और ध्यान रहे इस बात का कि ऑयल बहुत अच्छे से निकाल लेना है इसमें से ताकि ये ऑयली सा ना लगे अब मैं इसकी प्लेटिंग करूँगी तो देख सकते हैं आप ये हमारे नन्हे मुन्ने से क्यूट से चिकन के पकौड़े तैयार हो चुके हैं आप इसे ग्रीन चटनी इमली की चटनी टोमेटो केचप इसके साथ सर्व कर सकते हैं आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे मेरी ये रेसिपी अगर अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें और कमेंट करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और बेल आइकन को दोबारा ना भूलें थैंक यू फॉर वॉचिंग हाफिज